सो गाइज़ YouTube पर किस टाइम वीडियो अपलोड करें कि ज़्यादा व्यूज़ आए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत सारे टॉपिक जो आपको YouTube पर मिल जाएंगे कि आखिर YouTube पर वीडियो कब अपलोड करें कि ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। कोई बताएंगे कि मॉर्निंग में अपलोड करो, कोई बताएंगे दिन में अपलोड करो, कोई शाम में, कोई रात में, वगैरह वगैरह बताएंगे। तो हर वो सब सही बताते हैं, उनके हिसाब से वो सब सही होता है, मेरे हिसाब से भी वो सब सही है। लेकिन आप खुद क्यों नहीं पता लगाते कि आपकी वीडियो जो है किस टाइम लोग ज़्यादा वॉच करते हैं। मीन्स आपका जो वीडियो है, जो जब आप अपलोड करते हो, किस टाइम अपलोड करोगे आपकी आपकी चैनल पे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, आपकी वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। मीन्स आप खुद पता लगा सकते हो। कैसे पता लगाओगे? अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तब पता चलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। मेरा नाम है विकास और स्वागत है आप सभी का बिहारी टेक यूट्यूब चैनल में। चलिए दोस्तों, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आप जो अगर आप एक यूट्यूबर हो, एज ए क्रिएटर आपको पता होगा कि आप जो है कोई भी यूट्यूबर जो है यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने के लिए, अपलोड करने के बाद एडिटिंग जो करता है, मतलब उसमें फोटो मतलब कि वो होता है थंबनेल वगैरह या डिस्क्रिप्शन लिखना, टैग लिखना, वो सभी जो वाई टी स्टूडियो से लिखते हैं। आई थिंक आप वाई टी स्टूडियो जरूर चलाते होंगे। अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आप वाई टी स्टूडियो जरूर चलाते हैं। अगर नहीं चलाते हैं तो अभी डाउनलोड कर लीजिए वाई टी स्टूडियो। वाई टी स्टूडियो आप प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा, या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वाई टी स्टूडियो में जाने के बाद क्या करना है, आप अगर पहले से कुछ वीडियोज़ अपलोड करके रखे हुए हैं, आपको क्या करना है, उस वीडियोज़ में सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा ऑप्शन जहाँ पे आपको सब्सक्राइबर्स का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे देख लो फोटो में, ठीक है, मैं लाइव दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपको फोटो में सब कुछ देखने को मिल जाएगा ऊपर में, मतलब कि सॉरी ऊपर में आपको देखने को मिल जाएगा व्यूज़ 28 दिन का, सब कुछ दिखाएगा लास्ट 28 दिन। तो वहाँ पे नीचे में आपको ऑप्शन मिलेगा व्यू मोड का, ठीक है। आपको जैसे आप वैसे ही व्यू मोड पे क्लिक करते हो, आपको ऑप्शन मिल जाएगा 48 घंटा का, पूरा 48 घंटा का ब्यौरा वहाँ पे नज़र आ रहा होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। मैं वहाँ पे लाल कर देता हूँ, 48 घंटे का पूरा ब्यौरा वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपको क्या करना, उस 48 घंटा मतलब लास्ट 40 आवर्स का जो है वॉच टाइम मतलब मिनट का व्यूज़ को आपको क्लिक करके क्लिक कर देना ऊपर में, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करोगे वहाँ पे कुछ इस तरह के ग्राफ बने हुए नज़र आए, ग्राफ नज़र आ रही है। तो ग्राफ पे देखोगे, गौर करोगे ग्राफ पर, तो कहीं पर ग्राफ नीचे है, कहीं ग्राफ ऊपर है, कहीं नीचे है, कहीं ऊपर है, कहीं ऊपर है, कहीं नीचे है, कहीं ऊपर गया तो ऊपर गया है, फिर नीचे आ गया। तो आप यहाँ से कैसे पता लगाओ कि कैसे किस टाइम वीडियो अपलोड करें? देखो, जब आपकी ग्राफ ऊपर की तरफ जा रही है, मीन्स उस टाइम जो है आपकी आपका चैनल को लोग ज़्यादा वॉच कर रहे हैं उस टाइम, तो आपका सही टाइम जो है वही है। मतलब वहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, जिस टाइम सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए वहाँ पे क्लिक करोगे, तो वहाँ पे नीचे में देखने को मिल जाएगा किस टाइम ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो, इंडिकेट में कर रहा हूँ वहाँ पे रेड कलर का, आप वहाँ पे देख सकते हो किस टाइम जो है आपके चैनल पे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, आपके वीडियोज़ पे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। तो आप जो है उस टाइम को आप नोट कीजिए कि किस किस टाइम जो है आपके वीडियोज़ पे ज़्यादा व्यूज़ बढ़ रहे हैं। आप किसी का कि कोई का चैनल अगर ऐसा है कि मतलब कि कॉमेडी का है, वो अगर शाम में वीडियोज़ अपलोड करते हैं तो उनका ठीक है। अब किसी का टेक का है, अब टेक की कोई टाइम नहीं है, मान लो कि मेरा टेक का चैनल है, अगर मैं टाइम बंद हो कि 7 बजे रात में करूँगा या सुबह में करूँगा, ऐसा कोई टाइम नहीं है। जिस टाइम मुझे टाइम मिलता है मैं करता, वो मैं उसी टाइम करता हूँ अपलोड जब मेरी ग्राफ जो है ऊपर जाने लगती है, ठीक। मैं उस टाइम जो है वीडियो को पब्लिक करता, अपलोड तो मैं पहले कर देता हूँ लेकिन पब्लिक बाद में करता हूँ। जब मेरा मैं देखता हूँ कि यार व्यूज़ ज़्यादा बढ़ रहे हैं उस टाइम मैं पब्लिक करता हूँ। तो आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि आपको किस टाइम वीडियो अपलोड करना है। जिस टाइम में आपका जो है व्यूज़ ज़्यादा आते हैं उस टाइम को क्या करना है, जो है नोट करके रख लेना कि मुझे इस टाइम में वीडियो अपलोड करना है। तो आशा करते हैं कि आप समझ चुके हैं कि किस किस टाइम में आपको वीडियो अपलोड करना है ताकि आपके व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर किसी को बाय। जय हिंद, जय भारत।